हेलो एवरीवन बेटा, आज हम 9th क्लास का प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें हमारा पार्ट बी का यूनिट 1 का सेशन 3 है, जिसमें हम सीखेंगे कि पेजेस की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, स्पेल चेक अगर हमारी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई तो कैसे करते हैं, और ऑटो करेक्ट यूटिलिटीज़ का। तो सो स्टार्ट करते हैं। हमने सपोज यहाँ कुछ राइट कर दिया, हमने यहाँ पे सपोज कुछ राइट किया है, जैसे कि हाय हाउ, हाउ की मैंने स्पेलिंग रॉन्ग कर दी। ठीक, जैसे ही मैंने स्पेलिंग हाउ की रॉन्ग की, यहाँ पे रेड वे भी अंडरलाइन आ गया। इसका मतलब कि हमारी स्पेलिंग क्या रॉन्ग है। रेड होता है स्पेलिंग के लिए, ग्रीन होता है ग्रामेटिकल एरर के लिए। ओके, तो अब इस कंडीशन में हम जैसे ही इस पर राइट क्लिक करेंगे तो वैसे ही हमें यहाँ पर देखिए ढेर सारी सजेशन लिस्ट आ जाएगी कि हमें कौन सा लेना है। ओके, अगर हम इग्नोर ऑल करेंगे तो हमारा जो है वही होगा, रेड पे भी अंडरलाइन हट जाएगा। अदरवाइज अगर हम यहाँ से किसी को भी चूज कर सकते हैं। ओके, मैं चूज़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद हम सीखेंगे, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में स्पेलिंग एंड ग्रामर है। अब देखिए यहाँ पे भी हमारी ये बता रहा है कि टेक्स्ट लैंग्वेज हमारे इंग्लिश यूएसए के अकॉर्डिंग टू ये इसको चेंज करेगा। देखिए अब यहाँ पे है कि हमें अगर ऐड करना है या फिर इग्नोर करना है, इग्नोर ऑल करना है या फिर इसको चेंज करना है, तो हम यहाँ से आके कोई भी चूज जब करेंगे तो ये यहाँ से हम इसको चूज करने के बाद, सपोज हाउ की स्पेलिंग है HOW, हाउ हमने कर लिया। अब इसके बाद चेंज ऑल। ठीक, अब देखिए जस्ट ये हमारे रेड वे भी अंडरलाइन भी फिनिश हो गया और ये बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट भी बेटा वही होता है, वो ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट में हम जाएंगे। अब हम ब्रेक करना सीखेंगे। इंसर्ट में जैसे ही हम गए, यहाँ पे देख रहा है मैनुअल ब्रेक। मैनुअल ब्रेक पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रहा है हमें लाइन ब्रेक करना है या कॉलम ब्रेक करना है या पेज ब्रेक करना है। यहाँ से हमें जो भी ब्रेक करना है या जो भी स्टाइल, यहाँ पे देखिए स्टाइल नोन है, हम यहाँ से स्टाइल बाय डिफॉल्ट ले लेंगे और यहाँ से हमें पेज ब्रेक ही करना है, देन हम ओके कर देंगे। देखिए हमारा पेज क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये अनदर पेज है, ये हमारा फर्स्ट वन है, ये सेकेंड वन है। अब पेज फॉर्मेटिंग है, पेज साइज जो है हमारा पेपर साइज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मेट में जाएंगे। हम फॉर्मेट में आ गए। फॉर्मेट में आने के बाद हमारा पेज है यहाँ पे, ये जस्ट हमारा पेज है। अब यहाँ से हमें जो भी सेटिंग करनी है पेज पे हम क्लिक कर लेंगे। देखिए फॉर्मेट हमारा क्या है, लेटर साइज है। यहाँ से हम इसको जो भी हमें साइज लेना है, A4 चाहे जो भी, हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। A4 हमें लेना है, ये हमारा A4 साइज हो गया। ठीक, इसकी विथ इतनी है, हाइट इतनी है। ठीक, अब पोर्ट्रेट मतलब देखिए ये पेज हमारा पोर्ट्रेट है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ये देखिए हमारा लैंडस्केप हो गया। पोर्ट्रेट पेज लेना है तो पोर्ट्रेट पे, ये हमारा पोर्ट्रेट मतलब होता है हमारा ये वर्टिकल, और लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप पे हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। अब ऐसे इसके मार्जिन है, लेफ्ट से कितनी है, राइट से कितनी है, ठीक, टॉप से कितनी है, बॉटम से कितनी है, ये सारी चीज़ें हम इसको चूज़ कर लेंगे। सपोज मैं लैंडस्केप ले रही हूँ, देन मैं ओके कर दी। अब देखिए हमारे पेज के चेंजेस चेंज हो गए बिल्कुल। आपको ये मैं देखिए, ये हमारा है पेज। पहले हमारा पेज क्या था, पोर्ट्रेट था, बट अब हमारा ये क्या है, लैंडस्केप में है। अब नेक्स्ट है हमारा पेज की बॉर्डर डिजाइनिंग। फिर हम फॉर्मेट में ही जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद पेज में गए। पेज में हमारा देखिए अब ये है हमारा बैकग्राउंड है, हेडर है, फुटर है, बॉर्डर है। बॉर्डर में हम आ गए। बॉर्डर में देखिए हमें कैसे यहाँ से लेना है, हम यहाँ से चूज कर सकते हैं उसकी लाइन कैसी होगी। सपोज हम ये ले रहे हैं। कलर हमारा, कलर हम कोई भी चूज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सपोज मैंने रेड ले लिया। अब इसका मार्जिन दे रहा है, ठीक। अब देखिए ये हमारा, हमने बस दो साइड से बॉर्डर लिया था तो ये दो साइड से ही आएगा, ठीक, राइट से और बॉटम से, मैंने टॉप और लेफ्ट से नहीं लिया है। ठीक, आप चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉलम सेटिंग। कॉलम सेटिंग के लिए फिर हम फॉर्मेट मेनू में ही आएंगे। फॉर्मेट मेनू में हमारा है कॉलम्स। कॉलम्स में आने के बाद देखिए ये हमारा कॉलम्स है। अब हमें कैसा कॉलम्स लेना है यहाँ से, हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। पेज बाय स्टाइल है, सब कुछ। हम अगर ऐसा लेना है तो ऐसा लेंगे, ऐसा लेना है तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, जो भी हमें चाहिए हमारी नीड के ऊपर डिपेंड है। हमें जैसा भी चाहिए हम यहाँ से लेके ओके करें। अब देखिए हमारा पेज जस्ट दो कॉलम में डिवाइड हो गया।